विसाखी दे पावन त्यौहार ते मेरे वालों जैम टीवी दे तमाम तर दर्शकों नूं बहुत बहुत वधाइयां ते शुभकामनावां। ये त्यौहार जिहड़ा है ये मुढ़ कदीमी तौर ते भारतीय त्यौहार है। पंजाब विच खास तौर ते लोग इस नूं बहुत चावां ते मलारां नाल मनाउंदे सन। विसाखी नूं वख-वख नावां नाल पुकारिया जाता है। असल इसका नाम है विसाखी, वावे नू सियारी, ससे नू कन्ना, खखे नू ब्यारी, विसाखी। गुरु ग्रंथ साहब इस नू लावां ला के वैसाखी भी कहा गया है। तो ये त्यौहार थानू दसते हैं कि समुचे भारत में मनाया जाता है। दक्षणी भारत जिहड़ा है साउथ इंडिया उस इस नू वैसाखुडी कहा जाता है। तो पुराने समय की विसाखी तो हुण दी विसाखी इहदे च बहुत समय ने बदलाव लै आंदा है। पुराने समय च सुणदे हाँ जिवें मेले लगदे हुंदे सन ते मेलियां च लोग जोटियां बना के ते कुड़ियां अपने जथे बना के जांदियां हुंदियां सन। बड़ा रौनक मेला बनदा सी। भाईचारक सांझ दीआं तंदां मजबूत सन। रवादारी सी लोकां च आपसी सांझ सी। ते पंजाबी दे सरमौर कवि लोक कवि धनी राम चात्रिक लिखदे ने अपनी साथण नूं जां अपनी वहुटी नूं, वो किसान कहिंदा चल नी प्रेमीए विसाखी चलीए। ते जदों तैयारी हो गई ते फिर अगला मंजर वो बयान करदे ने, तूड़ी तंज सांभ हाड़ी वेच वट के, लंबड़ां ते शाहां दा हिसाब कट के, कछे मार वंजली आनंद छा गया ते मारदा दमामे जट मेले आ गया। मेले च दाखल हो गए। एक होर गीत भी आउंदा है, वे जट्टा आई विसाखी कणकां दी मुक्की राखी। ते हुण मेले दा तुहानूं मंजर थोड़ा जिहा धनी राम चात्रिक दी कविता तुहानूं ये जो दस्ती है पेश करदी है वो तुहाडे नाल सांझा करदा। पुराने समय विच मेलियां दा मकसद जिहड़ा सी वो भाईचारक सांझ दीआं तंदां नूं मजबूत करदा सी। मेले दा संकल्प मेला मेलियां दा, पैसे तेलियां दा। मुंडियां गभरूआं दे टोले जदों मेले विच जांदे ते बड़ा उत्थे आनंद भरपूर वातावरण पैदा हो जांदा सी। झूले हुंदे ते होर कबड्डी दे मुकाबले हुंदे, कोल हुंदे। जिहड़ा खाण पीण दा समान सी ओह सब तों वध पंजाबियां लई उदों जलेबियां जां जलेब ते पकौड़े ते इसे तरह दुध ते बर्फी, ये चीज़ां खाते सन सेहतवर्धक। ते कुड़ियां जिहड़ियां सी ओह बड़े चावां दे नाल कच्च दीआं वंगां अपनियां वीणियां ते चढ़ाउंदियां, तवीतड़ियां खरीददियां, मुंदरियां खरीददियां, परांदे खरीददियां। इस तरह दा उहनां दा जो चा पूरा हुंदा ये धनी राम चात्रिक ने सारा मंजर बयान किया है। श्री आनंदपुर साहब जोड़ मेले धार्मिक तौर पर, ते श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो उत्थे, करतारपुर साहब जिला जलंधर ते छेहटा साहब इत्थे मेले लगते सन, हुण भी लगते ने। विसाखी की गल जिहड़ी है वो जदों भी करांगे ते गुरु गोबिंद सिंह जी का एक इनकलाबी जो कदम चुकया होया उसका जिक्र जरूर छिड़ेगा। वो है 1699 विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक बहुत वड्डा इनकलाबी कदम चुकया। उन्होंने आनंदपुर साहब विच पांच प्यारियां की स्थापना की। इको बाटे विचों उन्होंने अमृत छका के जात पात के वितकरे ते तकड़ा प्रहार किया, इस नूं खत्म किया और सभे सांझी वाल सदायन तो किसी ने दसे बहरा जीओ दे महावाक नूं साकार किया। ते वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, फिर उन्हां तो आप अमृत छकिया ते गुरु ते चेले दे फर्क नूं मेट के उन्होंने एक किस्म नाल लोकतंत्रक कदरां कीमतां दी बुनियाद रखी। उन्होंने सिखां नूं कहा कि तुसीं किसे वेले भी मैनूं हुक्म दे सकदे हो और मैं उस पंजां सिंघां वाले दे जथे वालों दिते गए हुक्म नूं प्रवान करांगा।
यह है लोकतंत्र की स्थापना। दो बहुत वड्डे संकल्प ने जिहड़े गुरु साहब ने इस दिन सानू दिते, एक लोकतंत्री कदरां कीमतां ते दूसरा बराबरता का सिद्धांत, जिस ते सारा समुचा सिख समाज टिकिया होया है। विसाखी जिहड़ा है ये देसी साल का दूसरा महीना है, पहला है चेत, दूसरा है विसाख। गुरुद्वारों में दीवान सजदे ने, संगरांद होंदी है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच 12 महीनों के वाक जिहड़े ने शब्द ने वो दर्ज ने। 2 12 माह ने, एक तुखारी राग विच गुरु नानक देव जी का, ते प्रचलित जिहड़ा है गुरु अर्जन देव जी का राग माझ विच है, जो अंतम इस प्रथाए फुरमान है, उसका जो भाव है, तत्सार है, वो तुक है, वैसाख सुहावा तां लगे जां संत पेटे हर सोए। कि इस महीने सानू, वैसे तो हर समय ही, पर इस महीने खास तौर पर गुरु साहब कहिंदे ने कि सानू मनुखता दे भले लई, जिवें हुण हालात बने हुए ने मौजूदा हालात विच, सरबत दे भले लई, सरबत दी चढ़दी कला लई और मनुखता दी सेवा लई अपने आप नू समर्पित करना चाहीदा। एक होर गल, कणक दी जिहड़ी फसल है वह भरपूर हो जाती है, पक जाती है। कई शौकीन दाती नू घुंघरू लवा लेंदे सन, दातियां नाल वाढी हुंदी सी और आवतां आउंदियां सन, यानी दूसरे लोग आके भी मदद करते सन, इन्ना भाईचारा सी। ते ओ वाढी जिहड़ी आ ओह टक विसाखी वाले दिन लगदा सी। ओह वाढी दे जिहड़े नज़ारे सन ते ओह जिहड़े फलियां दे नज़ारे सन, ओह भी साडे जीवन विच्चों मनफी हो गए, गायब हो गए, जिहड़े कि साडी आपसी सांझ दा एक बड़ा पीड़ा ते वधिया नमूना सन। ऐतकी कणक दी फसल तां पक्की हुई है, पर इस नूं जिहड़ा ओह पंजाब सरकार ने मौजूदा हालात दे मद्देनज़र कुछ समय लई, कुछ निश्चित समा जिहड़ा है वह दिता है इहदी वाढी लई, ते नाल इह मंडीकरण वास्ते सरकार ने आप इंतजाम किए ने, वो मंजर जिहड़े पुराने ने वो गायब रहणगे। प्यारे दोस्तों, चाहे विसाखी चावां मलारां खुशियां ते खेड़ियां वाला, नचण टप्पण वाला, गाउण वाला ते लुडियां पाउण वाला त्यौहार है, इसनूं इसे तरह जाने जांदा है, इसे तरह ये मनाया जांदा रहा है, पर ऐतकी हालात ने इस दा मूँह मुहांदरा बदल के रख दिता है। हुण पहला वांग इसनूं चावां मलारां नाल ते खुशियां नाल नहीं मनाया जाएगा, इसनूं बड़ी सादगी नाल ते बड़े संजम नाल, बड़ी एहतियात नाल धार्मिक स्थानां दे अंदर इसनूं मनाउणगे। रंगला पंजाब, हसदा वसदा, गाउंदा नचदा टपदा पंजाब, वो फिर मुड़ के वो सुपना साकार हो सके, ते अजिही कामना करदा होया एक बारी फिर मैं तुहानूं इस शुभ त्यौहार दे मौके उत्ते वधाई दिंदा ते शुभकामनावां पेट करदा हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।